मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के सबसे पुराने स्कूल में। ऐतिहासिक स्कूल है, अपना एक अलग महत्व है, एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर कुछ टीचर हैं, काफ़ी अरसे बाद स्कूल खुला है, हालांकि यहाँ पर कापियों के मूल्यांकन का कार्य जारी। हमारे साथ कुछ टीचर हैं, हम उन्हीं से जानेंगे इस स्कूल के बारे में और आज पहले दिन के बारे में किस तरीके से पहला दिन बीता। हमारे साथ ये बताइए, क्या नाम है आप, ये स्कूल के बारे में कुछ? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी है। यह विद्यालय बिंद क्षेत्र का सबसे पुरातन विश्वविद्यालय है। 1865 में किला चौक उपरहटी में खुला था। 1875 में किला चौक उपरहटी से झिरिया इस वर्तमान स्थल में ये स्थापित हुआ। 1885 में दरबार हाई स्कूल में विकसित हुआ, उस समय महाराजा वेंकट रमन सिंह का शासनकाल था। तदुपरांत धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और उसका प्रतिफल है कि यह विद्यालय बाद में मार्टन स्कूल ग्रुप में विकसित हुआ और छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण मार्टन 1, 2, 3 हुआ और कालांतर में इसका जो विस्तार पटल है तो दरबार कॉलेज खुला। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी बात है, एक स्कूल का उदय बहुत छोटी सी जगह से हुआ था, किला परिसर के पास जिसको उपरेटी मोहल्ला कहते हैं वहाँ से हुआ था। धीरे धीरे आज एक्सीलेंस का दर्जा स्कूल को प्राप्त है, प्रदेश के प्रमुख स्कूलों में से एक है। हमारे साथ यहाँ के टीचर भी हैं। आज पहला दिन, डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है आपका, और आज पहला दिन कैसा रहा? डॉक्टर लक्ष्मीकांत गर्ग जी, शासन के निर्देशानुसार आज से जो है आंशिक रूप से विद्यालय खुल गया है। कुछ खंड खंड करके लड़के आ रहे थे, उन्होंने विषयवार शिक्षकों से संपर्क किया, अपनी शंका का समाधान किया और जाते रहे और आते रहे। इस तरह से आज का पहला दिन बहुत ही अच्छा बीता। जाते रहे आते रहे, स्कूल का पहला दिन कुछ इस तरीके से बीता। बच्चे जो कोरोना काल में स्कूल नहीं आ पा रहे थे, उसको उस दौरान उनकी जो भी शंकाएं थी उनके समाधान के लिए स्कूल आते रहे, अपनी शंकाओं का समाधान करके जाते रहे। यहाँ पर मूल्यांकन का कार्य कर रहे कुछ और भी टीचर मौजूद हैं, क्योंकि मार्तंड स्कूल में से मूल्यांकन का कार्य चल रहा, हम उनसे भी बात करेंगे। कोरोना काल के बाद स्कूल में वापसी कुछ इस तरीके से कैसी लग रही, क्या बच्चों की अनुपस्थिति से क्या उनको किस तरीके का आभास हो रहा? देखिए, जैसे शासन के मंशा के अनुसार विद्यालय खोला गया और खोलने के लिए ये बताया गया कि बच्चे आएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, ना कि विद्यालय लगाया जाएगा। बच्चे आए, जो भी आए उनको अपन टीचरों की ड्यूटी लगाए कि आप उनके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में बैठाओ और उनकी जो समस्याएं हों उन समस्याओं को दूर करो, जो समस्याएं हों उनको दूर करो। कोरोना काल में रीवा शहर के सबसे बड़े स्कूल का हाल कुछ ऐसा रहा, बच्चे आए अपनी शंकाओं का समाधान करके वापस चले गए। स्कूल खोलने के लिए शासन ने विस्तृत गाइडलाइन दिया है, जिसके तहत सबसे पहले तो ये बात है कि नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं करना है, ऐसे निर्देश हैं। उसके बाद जो भी छात्र अपने अभिभावक की सहमति से कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए विद्यालय आना चाहता है तो एक सहमत पत्र लाकर आएगा। विद्यालय में विद्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि एक छोटे समूह में, जिसमें पर्याप्त तो उनको 6 फीट की दूरी हो, ऐसे जगह पर बैठा के उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और पर्याप्त विद्यालय में सैनिटाइजर वगैरह रखेंगे ताकि कोई समस्या ना हो। इस तरह से पूरी सावधानी बरत के और बच्चों को मार्गदर्शन करें। इसमें एक बड़ा सवाल ये तय होता है कि जब आप स्कूल में बच्चों को बुलाएंगे, बच्चे खेल के मैदान में जाएंगे, खेलेंगे भी, तो उस दौरान किस तरीके की सावधानी? बच्चों को खेलने के निर्देश नहीं है, ये है कि आप स्कूल में बुलाइए, घंटे दो घंटे का जो उनका सेशन है वो पूरा होगा, जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निदान होगा, और लाइन से एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आएंगे और चले जाएंगे, खेलने की कोई बात विद्यालय में नहीं है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।